Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 11th, accountancy में हम एक chapter पढ़ रहे थे, chapter number 5 हमारा, that is the bank reconciliation statement, right? Bank reconciliation statement हमने क्या पढ़ा था? तो भाई कैसे, अगर हमारे पास जो भी हम cash book बनाते हैं, उसमें जो bank का balance आता है, और जो bank की passbook होती है, real वाली, उसमें जो भी differences होते हैं, उनको कैसे हम treat करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी से रिलेटेड पूरा एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। आज इसी के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अर्लियर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मेट, राइट? हमने पढ़ा था कि कैसे किसी भी डिस्क्रिपेंसी को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इन बैलेंसेस को टैली किया जाता है। एक तो है पासबुक, जो कि आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, उसमें आप एंट्रीज कराते हो। दूसरी वो कैश बुक होती है जिसमें अपन लोग फर्म में, इंडस्ट्री जो भी हम रन कर रहे हैं, उसमें हम एंट्रीज करते हैं, राइट? दोनों में अगर जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस के लिए हमने ये टेबल बनाई थी, राइट? इसी टेबल को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें हम एड और लेस को डिफरेंट कॉलम्स में शो कर सकते हैं। यानी कि ध्यान से देखेंगे, कहता है कि सबसे पहले हमने लिखा क्या, बैलेंसेस एज पर कैश बुक। या ऊपर भी हमने ये सीखा था, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है? जितना भी आपका कैश बुक में बैलेंस दे रखा है वो अपन मेंशन करेंगे। देन जितने भी एड वाले आइटम थे ना, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, उन सबको हमने एक लेफ्ट कॉलम में लिख दिया, ठीक है? देख पा रहे हैं आप, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। एंड सेकेंड वन, जितने भी नेगेटिव वाले आइटम थे, दैट मींस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक एंड द बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उन सबको अपन लिख देंगे कहां पे, राइटवर्ड कॉलम में। यानी है वही डेबिट और वही क्रेडिट, या फिर हम कहें सीधा सीधा वही प्लस और वही माइनस, जैसे हमने कल सीखा था। बस प्लस वाले फिगर्स को हम लेफ्ट वाले कॉलम में लिख रहे हैं, और जो माइनस वाले फिगर्स है उसको अपन राइट वाले कॉलम में। इज इट क्लियर विद एवरीवन? एक छोटा सा स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट दिखाते हैं कि किस तरीके का एक्चुअल जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो दिखता है, ओके? तो दिस इज हाउ अ स्टेटमेंट लुक्स लाइक। देख रहे हैं आप, धीरेन्द्र नेशनल बैंक का ये आपको पासबुक दे रखा है, ठीक है? मल्टी मॉड्यूल पैकेज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओके? डेट आपको गिवन है, देन वी हैव अकाउंट नेम है देव पंडित एंड व्हाट्स एवर। यहां पर डिफरेंट आपको डेट्स गिवन है, जिस जिस डेट को जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारी डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं, ओके? पर्टिकुलर्स मतलब कि क्या वास्तविकता में ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी डिटेल। अगर कोई चेक आया है या लगाया है तो उस चेक का यहां पर नंबर, अमाउंट डेबिट वाला इधर, और जितना क्रेडिट वाला बैलेंस है वो सारा यहां पर, ठीक है? जितना भी फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में, वो आपको इस कॉलम में दिख रहा है, ठीक है जी? यहां पर आपके रिमार्क्स आपको शो। तो दिस इज द बैंक स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट कौन से अकाउंट का? करंट अकाउंट। इज इट क्लियर विद एवरीवन? या प्लीज। तो डेबिट अगर आप लिखा हुआ है बेटा, दैट मींस हमारे अकाउंट से पैसा गया, और क्रेडिट मतलब अकाउंट में पैसा आया। तो व्हाट एवर द अमाउंट वॉज, उसमें से क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तो एड करो और डेबिट वालों को लेस करो, आपके पास जो बैलेंस है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में दिखाई देगा। ये एक स्पेसिमेन है, कुछ इस तरीके की पासबुक हमारी दिखाई देती। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। कहते हैं वास्तविकता में जो ये डिफरेंसेस आते हैं अमाउंट्स में, इसका मेन रीजन क्या होता है? तो इसका बहुत मेन रीजन है, दैट इज द टाइम डिफरेंसेस। कोई एक ट्रांजेक्शन किसी एक टाइम पर हुआ, लेकिन वो जिस टाइम पर हुआ उस टाइम पर हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये टाइम डिफरेंस है। अब ऐसी डिस्क्रिपेंसी जब आती है तो आपको अमाउंट्स में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है? तो एक एक हम पार्ट को डिस्कस करेंगे, यहां पर एक एक केस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, दैट इज चेक्स इश्यूड बाय द बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। देखिए साहब, आपने चेक इश्यू कर दिया। मैं फिर से वही बात बताता हूं, एक है बैंक की पासबुक, एक है आपकी कैश बुक। आप जैसे ही किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए चेक को इश्यू करते हो,
अपने यहां पर आप कैश बैलेंस को कम करके दिखा देते उतने से, लेकिन उस क्रेडिटर ने अभी तक वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। जब तक चेक बैंक में लगा ही नहीं तो क्या आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट होगा? नहीं होगा। बैंक में तो उतना ही बैलेंस दिखाई देगा जितना पहले था, राइट? दैट मींस बैंक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन हमने अपने यहां पर जो कैश बुक बनाई उसमें ऑलरेडी इस अमाउंट को डिडक्ट करके दिखा दिया। तो यहां पर डिफरेंस आएगा। देखिए क्या कहता है इसके बारे में। सो व्हेन चेक्स आर इशूड बाय द फर्म टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, दीज आर इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। हम तुरंत उसको एंटर कर देते हैं कहां पर, अपनी कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि पैसा गया। जब जब पैसा जाता है तो हम कैश बुक के कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और जब जब आता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट साइड। हाउएवर द रिसीविंग पार्टी मे नॉट प्रेजेंट द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट इमीडिएटली, द बैंक विल डेबिट द फर्म्स अकाउंट ओनली व्हेन दीज चेक्स आर एक्चुअली पेड बाय द बैंक, हेंस देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इशू ऑफ अ चेक एंड इट्स प्रेजेंटेशन टू द बैंक विच मे कॉज अ डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस। आगे हुई बात, तो इसी वजह से ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको बैंक का बैलेंस तो बड़ा हुआ दिखाई देगा लेकिन कैश का बैलेंस जो है वो कम आपको दिखाई देगा, आपकी कैश बुक का बैलेंस। इज इट क्लियर विद एवरीवन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट इज चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ध्यान से सुनिएगा, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आप जब भी चेक्स को बैंक में लगाते हैं, सब आपको सपोज कीजिए किसी डेटर ने चेक दिया 10,000 रुपए का, आपने अपने बैंक में वो चेक को लगा दिया, चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है, ठीक है, 2 डेज भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो एट दैट टाइम जैसे ही आपके पास चेक आया, आपने अपने कैश बुक में तो उसकी एंट्री कर दी, यानी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या वास्तविकता में वो चेक क्लियर हुआ है अभी तक? क्या उसका पैसा आपके अकाउंट में आया अभी तक? तो आपका बैंक का बैलेंस तो कम ही दिखाई देगा बेटा। आ गया डिफरेंस, राइट? तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपके कैश और बैंक बैलेंस टैली नहीं करेंगे। देखिए क्या कहता है, व्हेन द फर्म रिसीव चेक फ्रॉम इट्स कस्टमर दे आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जैसे ही पैसा आया हम तो फटाफट से क्या करते हैं, अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में लिख देते हैं कि भैया चेक आ गया हमारे डेटर्स। दिस इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो आपने जैसे ही इसको अपने यहां की कैश बुक में रिकॉर्ड किया प्लस का 10,000, तो आपकी कैश बुक तो बड़ी ही दिखाई दी लेकिन वो पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया। तो यहां पर क्या लिखा बच्चों, हाउएवर द बैंक क्रेडिट्स द कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ चेक्स आर एक्चुअली रियलाइज्ड। द क्लियरिंग ऑफ द चेक जनरली टेक फ्यू डेज स्पेशली इन केस ऑफ आउटस्टेशन चेक्स और व्हेन द चेक्स आर पेड इन एट एट द बैंक ब्रांच अदर देन वन ऑफ इट द अकाउंट ऑफ द फर्म इज मेंटेन। दिस लीड्स टू cause of difference between the bank balance showed by the cash book and the balance showed by the passbook. यही आपको explain किया अभी। इस वजह से आपको difference देखने को मिलेगा आपकी cash book में, साथ ही साथ आपकी passbook में। Is it clear with everyone? पक्का? Very simple. चले आगे third पर। Third वाला और भी simple है। Direct debits made by the bank on behalf of the customer. Direct debits made by the bank on the behalf of the कस्टमर। कोई कस्टमर था सब, ठीक है, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट कोई अमाउंट हुआ है। अब वो कब होता है, आइए उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, समटाइम द बैंक डिडक्ट्स अमाउंट फॉर वेरियस सर्विसेज। अब वो सर्विसेज कई सारी हो सकते हैं बच्चे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिडक्शन इंक्लूड चेक कलेक्शन चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अनपेड चेक्स डिडक्टेड बाय द बैंक दैट इज स्टॉप्ड और बाउंस एटसेट्रा। As a result, bank as per okay now, देखिए साहब ये है आपका सीधा सीधा कैश बुक, ठीक है। अच्छा कैश बुक हम बनाते हैं फॉर्म की, जिसमें आपके पास क्या है, बैंक कॉलम है। सपोज कीजिए कैश बुक में, और ये है बैंक की पासबुक, ओके। कैश बुक को जिस तरीके से हम बनाते थे याद कीजिए, जिसमें अगर कैश वाला अमाउंट है
तो उसका बैलेंस हम यहाँ लिखते थे, बैंक वाले का यहाँ पे, कैश का यहाँ पे, बैंक का यहाँ पे. दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस विल बी द डेबिट साइड. जब जब पैसा गया है ना, तो हम यहाँ पर लिखते थे, और जब जब पैसा आया तो हम यहाँ लिखते थे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, राइट. नाउ सीधी सीधी बात क्या है भैया, कि हमें पता लगा कि 10,000 रुपीज हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है. कितना है हमारे पास कैश बुक में बैलेंस पड़ा हुआ है, 10,000 रुपीज का. ठीक है, कितने का बैलेंस पड़ा हुआ है, 10,000. यहां पर हम गए बैंक की पासबुक, किसके में गए, अब बैंक की पासबुक में भी अमाउंट पड़ा था कितना, 10,000 रुपीज. यहां तक तो केस क्लियर था. ठीक है, जितना हमने अपने यहां पर एंट्री कर रखी थी उसके हिसाब से हमारी कैश बुक में जो बैलेंस दिखाई दे रहा था, दैट वाज 10,000 रुपीज, और उतना ही अमाउंट हमारे को दिखाई दे रहा था हमारी बैंक की पासबुक. इज इट क्लियर? लेकिन तभी क्या हुआ कि कुछ चार्जेस, जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्जेस लिए, या फिर कुछ भी आपके चेक क्लियरिंग चार्जेस लिए, एटीएम कार्ड के चार्जेस, ठीक है, चेक बुक इशू करने के चार्जेस, कई तरीके के चार्जेस होते हैं जो बैंक आपके बिहाफ पर डिडक्ट करता रहता है, राइट. पर हर बैंक अकाउंट में ऐसा होता है. अब जैसे ही ये चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए, आपके अकाउंट से जैसे ही डिडक्ट हुए, तो आपका जो बैंक की पासबुक है वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगी. सपोज करो 500 रुपए है, तो 500 रुपए तो वो यहां से कम हो जाएंगे, तो यहां पर कितना अमाउंट बचेगा, 9,500. लेकिन क्या इस 500 रुपए की एंट्री अभी तक हमने अपने यहां पर करी थी, नहीं करी. इस वजह से ये 500 रुपीज का डिफरेंस हमें दिखाई देगा, राइट. यही चीज है कि हमारा जो बैंक का पासबुक है वो डाउन चला जाएगा, कैश बुक हमारा अपसाइड पे दिखाई देगा. और ये भी एक डिफरेंस का कारण हो सकता है कि बैंक ने अपने एंड पर कई चार्जेस का डिडक्ट कर दिया. लेकिन वही जब हम बात कर रहे हैं हमारे यहां पर जो कैश बुक हम बनाते हैं उसकी, तो वहां पर हमने उसको रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया हुआ. क्लियर विद एवरीवन? पक्का? चले आगे. Here we have fourth one, that is the amounts directly deposited in the bank account. अब कई बार क्या होता है कि suppose कीजिए आपने अपने customer को credit पर माल दे रखा है, ठीक है. अब customer को credit पर माल दिया, customer ने ये सोचा साहब कि आज payment का time है, आपको phone किया सी, आपको बोला कि sir पैसा मुझे आपको pay करना है, check के through नहीं, मैं cash के through देना चाहता हूँ. हमने कहा भाई ऐसा है, directly हमारे bank account में deposit करा दो. आपके जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक की पासबुक में वो अपर साइड पे दिखाई देगा. अभी तक उस पैसे की एंट्री आपने कैश बुक में नहीं करी, नहीं करी, तो आपकी कैश बुक क्या रहेगी, लोअर हैंड पर दिखाई देगी, राइट. ये भी एक कारण हो सकता है डिफरेंसेस का. ओके, आगे देखते हैं बच्चों. देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन डेटर्स कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट, बट The firm does not receive the intimation from any source till it receives the bank statement. कई बार होता है भैया कि बैंक में पैसा आ गया लेकिन हमारे पास SMS के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं आई. अब जब तक आप बैलेंस का इंक्वायरी नहीं करोगे, जब तक आप पासबुक में एंट्री नहीं कराओगे, आपको पता ही नहीं कि वो पैसा बैंक में आया कि नहीं आया, राइट. जब तक वो पैसा पता ही नहीं कि आया कि नहीं आया, तब तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. फॉर दैट टाइम डिफरेंस आपका जो बैंक का बैलेंस है और जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है वो मैच करेगा क्या, नहीं, राइट. तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, एनी सोर्स टिल द रिसीव द बैंक स्टेटमेंट. इन दिस केस द बैंक रिकॉर्ड्स द रिसीट्स इन द फर्म्स अकाउंट एट द बैंक, बट द सेम टाइम इट नॉट रिकॉर्डेड द फर्म्स कैश बुक. आगे वही बात, एज अ रिजल्ट द बैलेंस शोन इन द बैंक पासबुक विल बी मोर देन द बैलेंस शोन इन द फर्म्स कैश बुक. ठीक है, तो यहां पर आपको जो पासबुक का बैलेंस है वो तो बड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमारी कैश बुक का बैलेंस कैसा है, क्योंकि भैया कुछ ऐसा पैसा था जो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करा दिया, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं अभी तक. जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम दिखाई देगा. इज इट क्लियर? चले आगे. नेक्स्ट इट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. देखिए कई बार आप कई इन्वेस्टमेंट्स करते बेटा, ठीक है, उन इन्वेस्टमेंट्स पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है. आप कहीं पर शेयर्स वगैरह खरीदते हैं किसी कंपनी के, उन शेयर्स पर आपको डिविडेंड रिसीव होता है.
अब ये डिविडेंड, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है, कैश नहीं आता बेटा ये, क्लियर। तो आपके अकाउंट में वो पैसा जा चुका है, सपोज करो 10,000 रुपीज का वो इंटरेस्ट का अमाउंट था या फिर डिविडेंड से जो आपके अकाउंट में जा चुके। लेकिन क्या आपको अभी तक इसकी कोई इंटीमेशन है, क्या आपको अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन है? टिल द टाइम आप पासबुक में एंट्री नहीं कराओगे तब तक आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई पैसा है जो कि आपके पास आया भी हुआ है। जब तक उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी तब तक क्या आप उसको कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे। जब तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या कैश का बैलेंस आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा? नहीं। दैट मींस आपकी पासबुक तो आपको बढ़ा हुआ बैलेंस दिखा रही है लेकिन आपकी कैशबुक में वो अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अभी तक। तो कैशबुक क्या हो गया? लोअर एंड पे जाएगी। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इट सेज बेटा, व्हेन द बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर देन These are immediately credited to the customer's account. आगे बात, credited मतलब bank में चला जाना पैसा। But the firm will know about these transactions and record the same in the cash book only when it receives the bank statement. Till then, the balances as per cash book and passbook will differ. और तब तक हमारा जो bank का balance है और cash book का balance है वो क्या होगा? Match नहीं होगा, वो difference create करेगा, वो difference show करेगा। Is it clear? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कि किन किन वजहों से हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं बैंक रिकंसिलेशन के समय। इज इट क्लियर? चले आगे। नाउ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कई बार ऐसे कई सारे पेमेंट्स होते हैं जो हमारे बिहाफ पर कर दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है बेटा, ठीक है, जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, ठीक है, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, सपोज कीजिए कोई ईएमआईज है, ठीक है जी, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएमआईज फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट बोलते हैं लोग, एक्चुअली इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, क्लियर। तो भाई कई सारी ईएमआईज है या फिर कुछ ऐसे अमाउंट्स है जो आपने ऑथराइज कर रखा है बैंक को आपके बिहाफ पर पे करने के लिए, ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर डेट को मंथ की वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होके जिस भी पर्सन को जाना है उसको चला जाएगा क्योंकि तो आपने ऑथराइज कर रखा है उसको, राइट। अब ऐसे अमाउंट्स जब भी डिडक्ट हो जाते हैं जनरली आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती है जनरली, है ना, लेकिन जब नहीं होती या फिर आपने किन्हीं कारणवश उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या आपके कैशबुक में वो बैलेंस दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। दैट मीन्स सपोज कीजिए आपके बिहाफ पे आपके बैंक अकाउंट ने कुछ पेमेंट कर दिया, आपकी पासबुक तो नीचे चलेगी लेकिन कैशबुक में तो अभी भी उतना ही बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा कैशबुक में और पासबुक में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है भाई समटाइम द कस्टमर गिव आउट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक to make some payment regularly on stated days to the third party. For example, telephone bill hai sahab, insurance premium, rent, taxes, etc. directly paid by the bank on behalf of the customer and debited to the account. As a result, the balance as per the bank passbook would be less than one shown in the cash book. Aagi baat? And finally, aur kya cheez ho sakti hai, that the check deposited bills discounted dishonored. Dekhiye kya kehta hai? If a check deposited by the firm is dishonored or a bill exchange drawn by the business firm and discounted with the bank and dishonored on the date or the maturity, the same is debited to the customer account by the bank. As this information is not available to the firm immediately, there will be no entry as a firm's cash book regarding the above. This will be known as a firm when it receives a statement from the bank. As a result, the balance as per passbook and cash book will not be tally. So, kehta bhai check deposit to kiya tha, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो जाता है। अब जब डिसऑनर हो गया चेक तो क्या उसका अमाउंट आपको रिसीव होगा? लेकिन आपने तो अपने कैशबुक में एंट्री कर रखी है उसकी कि भैया इतने रुपीस का चेक हमारे पास आ चुका है, इतना पैसा हमारे क्रेडिटर्स ने, हमारे डेटर्स ने हमें पे कर दिया, लेकिन किसी कारणवश वो जो पैसा था वो आपको रिसीव नहीं हुआ, चेक आपका डिसऑनर हो गया। इन दैट केस क्या होगा मुझे बताओ? आपकी जो कैशबुक है वो तो बड़ी दिखाई देगी और आपकी पासबुक कम होती हुई दिखाई देगी, तो ये डिफरेंस का कारण एक और हो सकता है। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा
कि किन किन कारणों से जो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो कैश बुक में आपको दिखाई दे सकते हैं, राइट। ये सब किस वजह से होता है? टाइम डिफरेंसेस की वजह से। किस वजह से होता है बेटे, राइट। अब यही चीज को हम आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल द टाइम आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना बेटा, क्योंकि इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स इसके अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।